दोस्तों यदि आप भारत की हार का कारण भारतीय बॉलरों को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। राजकोट टी20 में न्यूजीलैंड ने जबरदस्त पलटवार करते हुए टीम इंडिया को करारी मात दी। टीम इंडिया ने दूसरा टी20 40 रनों से गवाया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाए थे और ऐसा लग रहा था कि राजकोट की पाटा पिच पर टीम इंडिया इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टीम इंडिया 20 ओवर में 156 रन ही बना सकी। टीम इंडिया की ओर से सिर्फ कप्तान विराट कोहली ने 65 रन बनाए, उनके अलावा कोई बल्लेबाज रन नहीं बना सका। श्रेयस अय्यर ने 21 गेंद में 23 रन बनाए और एमएस धोनी ने बेहद ही लचक प्रदर्शन करते हुए 49 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जीत में उसके गेंदबाजों ने अहम योगदान दिया। ट्रेंट बोल्ट ने पहले रोहित शर्मा और शिखर धवन को पवेलियन की राह दिखाई और उन्होंने मैच में कुल 4 विकेट लिए। बोल्ट के अलावा सेंटनर ईश सोरी और कॉलिन मुनरो ने एक रन एक विकेट लिया। सोरी ने तो सभी भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा। सोरी ने 4 ओवर में 25 रन दिए और हार्दिक पांड्या का अहम विकेट हासिल किया। कॉलिन मुनरो के धमाकेदार शतक 109 और मार्टिन गप्टिल की 45 रनों की अहम पारी के दम पर राजकोट टी20 में न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 196 रन बनाए। राजकोट की फ्लैट पिच पर टीम इंडिया के गेंदबाज काफी परेशानी में दिखे और उन्होंने जमकर रन लुटाए। अपना पहला मैच खेल रहे मोहम्मद सिराज ने अपने 4 ओवर में 53 रन दे डाले और उन्हें सिर्फ एक विकेट मिला। युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 36 और अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 39 रन दिए। टीम इंडिया की फील्डिंग बेहद खराब रही। शतकवीर कॉलिन मुनरो को टीम इंडिया ने 3 जीवन दान दिए। श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल ने उनका कैच छोड़ा, वहीं रोहित शर्मा ने खराब थ्रो फेंक उन्हें रन आउट करने का मौका गंवा दिया।